Hello everyone, I am Monica. In this video, I am going to explain Choosing Our Universe, written by Stephen Hawking and Leonard Mladenov. Stephen Hawking was born in 1942. He is an English physicist, cosmologist, author, and director of research at the Center of Theoretical Cosmology within the University of Cambridge his book a brief history of time was a bestseller and he has achieved success with works of popular science he suffers from a motor neurodisease disease that has paralyzed him leonard mladenov is an american physicist and screenwriter he is a famous scientist as a child he was interested in both maths and chemistry he got आ डॉक्टर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ही वर्कड ऑन अ बुक विद स्टीफन हॉकिंग टाइटल्ड द ग्रेट डिज़ाइन फ्रॉम विच दिस एसे हैज़ बीन टेकन सो दिस इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ राइटर्स स्टीफन हॉकिंस जिनका जन्म नाइनटीन फोर्टी टू में हुआ वो एक भौतिक विज्ञानिक थे न्यूरो डिजीज़ उनको हो गई थी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी बॉडी पैरलाइज हो गई उन्हें लकवा मार गया लियोनॉर्ड लेडिनो अमेरिकन फिजिस्ट थे भौतिक विज्ञानिक थे मैथ और केमिस्ट्री में शुरू से ही इनका इंटरेस्ट था और इन दोनों राइटर्स ने मिलकर एक बुक लिखी जिसका टाइटल था द ग्रैंड डिज़ाइन चूजिंग आवर यूनिवर्स ऐसे इसी बुक द ग्रैंड डिज़ाइन में से Lia gaya hai. the essay has been taken from the book the grand design written by these two writers stephen hawking and leonard ladino this essay provides a new approach towards understanding the universe the laws of physics have helped us get on answers for a lot of many puzzles related to the cosmos the theory of relativity and quantum physics together have helped मैनी डीप मिस्ट्रीज अबाउट द यूनिवर्स हाउ एवर द क्वेस्ट टू अराइव एट अ सिंगल यूनिफाइड थ्योरी दैट विल एक्सप्लेन एवरी थिंग स्टिल एवेट अस इस ऐसे में बताया गया है ओरिजन ऑफ यूनिवर्स के बारे में इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई क्योंकि ये ऐसे लिखने वाले दोनों साइंटिस्ट थे तो उन्होंने अपने फिज़िक्स के रूल अप्लाई किए हैं ताकि हमें ये पता चले कि इस दुनिया की शुरुआत इस सृष्टि की ब्रह्मांड की शुरुआत किस तरह से हुई थ्योरी ऑफ़ रिलेटिविटी का यूज़ किया है उन्होंने क्वांटम फ़िज़िक्स का यूज़ किया है इस संसार के रहस्यों को सुलझाने के लिए पूरे संसार में लोगों की क्या मान्यताएं हैं इस दुनिया के शुरू होने के लिए कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई कहाँ के लोग क्या सोचते हैं ये बात दिखाई है इन साइंटिस्ट ने इस ऐसे के अंदर लेकिन उसके बावजूद भी एक सिंगल थ्योरी बना पाना एक मत हो पाना कि इस सृष्टि की शुरुआत इस तरह से हुई इस बात पर अभी तक लोग एक मत नहीं हुए हैं अलग अलग जगह रहने वाले लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं इस ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर यही सब बताया गया है इस ऐसे में चूजिंग आर यूनिवर्स लेट्स द ऐसे चूजिंग आर यूनिवर्स रिटर्न बाय स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड मलेडिनो अकॉर्डिंग टू द बोशोंगो पीपल ऑफ़ सेंट्रल अफ्रीका इन द बिगनिंग देर वॉज ओनली डार्कनेस वाटर एंड ग्रेट कोर्ट बोम्बा सेंट्रल अफ्रीका में बोशोंगो पीपल हैं ये एक जाति का नाम है जनजाति का नाम है सेंट्रल अफ्रीका में मध्य अफ्रीका में बोशोंगो जनजाति के लोगों के अनुसार शुरुआत में इस सृष्टि के शुरुआत में केवल अंधेरा था पानी एंड ग्रेट कोर्ट बुम्बा और एक देवता था जिसका नाम था बुम्बा दिस इज़ द वर्ल्ड मैप संसार का मैप है ये ये अफ्रीका है अफ्रीका में सेंट्रल अफ्रीका मीन्स यहाँ पर जो लोग रहते थे उन लोगों की मान्यता थी कि इस सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ अंधेरा था पानी था और एक महान देवता बुम्बा था वन डे बुम्बा पेन फ्राम आ स्टमक वॉमिटेड अप द सन एक दिन बुम्बा के पेट में दर्द हुआ स्टमक पेट में दर्द होना वामिट उल्टी कर देना तो एक दिन बुम्बा के पेट में दर्द हुआ और उसने वॉमिट कर दिया उल्टी कर दी और उसकी उल्टी से सन सूरज बाहर निकल कर आया इन टाइम द सन ड्राइड अप सम ऑफ द water लिविंग लैंड समय बीतने के साथ सूरज का कुछ पानी सूख गया लिविंग लैंड और कुछ धरती बच गई मीन्स कुछ धरती रह गई बट बुम्बा व स्टिल इन पेन परंतु बुम्बा को अब भी दर्द हो रहा था एंड वॉमिटेड सम मोर और उसने कुछ और उल्टी कर दी अब केम द मून द स्टार्स एंड देन सम एनिमल्स द लियपर्ड द क्रोकोडाइल द टर्टल एंड फाइनली मैन अब जब बुम्बा के पेट में दोबारा शुरू दर्द शुरू हुआ तो उसने फिर से वॉमिट कर दिया और इस बार उसकी वॉमिटिंग से निकले चंद्रमा तारे कुछ एक एनिमल्स जैसे लेपर्ड क्रोकोडाइल मगरमच्छ टर्टल और अल्टीमेटली मैन मनुष्य तो ये बिलीफ था सेंट्रल अफ्रीका में रहने वाले बोशोंगो लोगों का कि इस सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ अंधेरा था पानी था और महान देवता बुम्बा था बुम्बा के पेट में एक दिन दर्द हुआ और उसने उल्टी कर दी उस उल्टी से ही बना सूरज सूरज का कुछ पानी सूख गया उसके बाद जो कुछ बचा वो थी थोड़ी सी धरती लेकिन बुम्बा के पेट में फिर भी दर्द हो रहा था उसने फिर से वॉमिट कर दिया उसने फिर से उल्टी कर दी और उस उल्टी से बना चंद्रमा तारे कुछ एक पशु जैसे तेंदुआ मगरमच्छ कछुआ टर्टल कछुआ और फाइनली मैन और आखिरी में मनुष्य बना ऐसी धारणा थी सेंट्रल अफ्रीका में रहने वाले लोगों की द मायंस ऑफ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका टेल ऑफ अ सिमिलर टाइम बिफोर क्रिएशन व्हेन ऑल दैट एग्जिस्टेड वर द सी द स्काई एंड द मेकर यहाँ दूसरी अवधारणा का जिक्र किया गया है कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं इस एरिया में सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनकी मान्यता है कि इस सृष्टि की शुरुआत में सिर्फ समुद्र था आसमान था और मेकर था मेकर मीन्स दुनिया बनाने वाला मीन्स भगवान तो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के लोग लोगों की मान्यता थी कि तीन चीज़ें ही एग्जिस्ट करती थी तीन चीज़ें ही थी स्टार्टिंग में समुंदर आसमान और भगवान इन द मायन लीजेंड द माउंटेंस ट्रीज एंड मोस्ट एनिमल्स इन द मायन लीजेंट द मेकर अनहैप्पी बिकॉज देर वॉज नो वन टू प्रेज हिम क्रिएटेड द अर्थ माउंटेंस ट्रीज एंड मोस्ट एनिमल्स मायन मान्यता के अनुसार मेकर भगवान खुश नहीं था इस बात से कि उसकी प्रेज करने वाला प्रेज मीन्स तारीफ कि उसकी तारीफ करने वाला कोई नहीं है इसीलिए भगवान ने अर्थ बनाई धरती बनाई माउंटेंस बनाए, बनाए, बनाए पहाड़ बनाए ट्रीज एंड मोस्ट एनिमल्स पेड़ बनाए और पशु बनाए बट द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमन्स परंतु जो पशु हैं वो बोल नहीं सकते इसीलिए भगवान ने डिसाइड किया मनुष्य को बनाना फर्स्ट ही मेड दैम ऑफ मर्ड एंड अर्थ बट दे ओनली स्पोक नॉन पहले उसने मड मिट्टी से कीचड़ से मनुष्य बनाए लेकिन वो नॉनसेंस बातें ही करते थे बेतुकी बातें ही करते थे ही लेट डेम डिसोल्व अवे एंड ट्राइड अगेन दिस टाइम फैशनिंग पीपल फ्रॉम वर्ल्ड अब क्योंकि पहली बार भगवान ने मिट्टी से इंसान को बनाया था तो उसने फिर से मिट्टी को मैश मैशअप कर दिया आपस में डिज़ोल्व कर दिया घोल दिया ट्राइड अगेन फिर से कोशिश की और इस बार भगवान ने लकड़ी से मनुष्य को बनाया दोज पीपल वर डल जो वुड से बने लोग थे लकड़ी से बने लोग थे वो डल थे नीरस थे बुद्धू थे ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय दैम इसीलिए ही यहाँ यूज़ किया गया है भगवान के लिए ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय दैम इसीलिए भगवान ने डिसाइड किया कि वो उनको भी नष्ट करें बट दे एस्केप्ड इन टू द फॉरेस्ट सस्टेनिंग डैमेज एलोंग द वे दैट ओल्टर्ड फ्रॉम स्लाइडली क्रिएटिंग वट वी टूडे नो एज मंकी तो जब भगवान ने उनको डिस्ट्रॉय करने की सोची दे एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट वो जंगलों की तरफ भाग गए सस्टेनिंग डैमेज उनमें से कुछ को डैमेज हुआ चोट पहुंची नुकसान भी हुआ अलोंग द वे दैट ओल्टर दैम स्लाइडली और उनके आकार में हल्का सा परिवर्तन आता चला गया जिस तरह से भगवान ने बनाए थे उसके कंपैरिजन में हल्का सा उनमें चेंज आता चला गया क्रिएटिंग व्हाट वी टुडे नो एज़ मोंकीज, जिनको आज हम बंदरों के नाम से जानते हैं आफ्टर दैट फियास्को मींस गड़बड़ी द मेकर फाइनली केम अपॉन अ फॉर्मूला दैट वर्कड एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट हुमेन्स फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न के इस गड़बड़ी के बाद भगवान ने फाइनली एक फॉर्मूला फॉलो किया जो काम कर गया और इस वक्त भगवान ने इंसान को बनाया वाइट और येलो कलर के कॉर्न से सफ़ेद और पीले अनाज से मक्के से टुडे वी मेक एथेनॉल फ्रॉम कॉर्न आज हम कॉर्न से मक्के से एथेनॉल बनाते हैं बट सो फॉर वंस मैश्ड एंड मेकरस फिट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल हु ड्रिंक इट लेकिन अब तक हम भगवान की इस क्रिएशन की बराबरी नहीं कर सकें कि इससे मनुष्य बनाए जो इसे पीते हों सो हेयर आर सम मिथ्स प्रेवलेंट अबाउट द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड यहाँ कुछ मान्यताओं का जिक्र किया गया है कि इस यूनिवर्स को इस सृष्टि को इस ब्रह्मांड को किस तरह से क्रिएट किया गया सेंट्रल अफ्रीका में बोशोंगो जो लोग थे उनका मानना था स्टार्टिंग में सिर्फ अंधेरा था पानी था और महान देवता बुम्बा था एक दिन बुम्बा के पेट में दर्द हुआ उसने वॉमिट किया उल्टी की जिस उल्टी से चांद तारे सूरज और फाइनली मनुष्य निकला कुछ एनिमल्स निकले जैसे तेंदुआ क्रोकोडाइल मगरमच्छ कछुआ और मनुष्य ऐसा मानना था सेंट्रल अफ्रीका में रहने वाले लोगों का सेकंड जो मिथ बताई है जो बिलीफ बताया है वो बताया है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका के लोग सोचते हैं उनकी क्या मान्यता है इस सृष्टि की शुरुआत को लेकर उनकी मान्यता है कि भगवान ने स्टार्टिंग के अंदर मिट्टी से मनुष्य को बनाया लेकिन बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया फिर वुड से बनाया फिर जब उसको डिस्ट्रॉय करने की सोची तो वो जंगलों में भाग गया और जो आज के टाइम में बंदर हैं वो उसका डिस्टोर्टेड फॉर्म है उसके बाद जब ये गड़बड़ हो गई तो फाइनली भगवान ने डिसाइड किया मनुष्य को बनाने का वाइट और येलो कॉर्न से जिससे हम कॉर्न जिससे हम आज एथेनॉल बनाते हैं सो दीज आर सम मिथ्स एंड क्रिएशन मिथ्स लाइक दीज हैव नो साइंटिफिक बेसिस इन मान्यताओं का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है क्रिएशन मिथ्स सृष्टि के निर्माण को लेकर जो मान्यताएं हैं लाइक दीज अटैम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन वी एड्रेस वाई इज देयर a यूनिवर्स एंड वाई इज द यूनिवर्स द वे इट इज ये मान्यताएं कहीं ना कहीं हमारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर देने की कोशिश करती हैं कि वाई इज़ देयर आर यूनिवर्स के सृष्टि क्यों है ब्रह्मांड क्यों है वाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़ कि ब्रह्मांड जैसा है वैसा क्यों है आवर एबिलिटी टू एड्रेस सच क्वेश्चन हैज़ ग्रोन स्टेडली इन देंचुरीज सिंस द एंसियट ग्रीक्स most profoundly over the past century, we are now ready to offer a possible answer to these questions. Centuries means शताब्दियाँ ancient means प्राचीन कि ब्रह्मांड क्यों है और वो जैसा है वैसा क्यों है इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए जो हमारी एबिलिटी है हमारी योग्यता है वो प्राचीन ग्रीक ग्रीक यूनान वो एंसेंट ग्रीन के ग्रीक के साथ लगातार बढ़ रही है वी आर नाउ रेडी टू ऑफर अ पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चन और अब पिछले शताब्दियों के फाइंड आउट के बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार हैं वन थिंग दैट मे हैव बीन अप्रेंड इवन इन अर्ली टाइम्स वॉज दैट इधर द यूनिवर्स वॉज अ वेरी रीसेंट क्रिएशन और एल्स ह्यूमन बींग्स हैव एग्जिस्टिड फॉर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री वन थिंग एक चीज़ जो बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रही है एपरेंट प्रतीत होना दिखना एक चीज़ है जो बहुत ही साफ़ दिखाई दे रही है शुरुआती टाइम से ही वॉज़ दैट इधर द यूनिवर्स वॉज़ अ रीसेंट क्रिएशन कि या तो ब्रह्मांड एक रीसेंट क्रिएशन है रीसेंट रीसेंट मीन्स ताज़ा हाल ही में एक ताज़ा क्रिएशन है मीन्स बाकी सब कुछ पहले बन गया है लेकिन ब्रह्मांड की रचना बाद में हुई है और एल्स ह्यूमन बींग्स हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री या फिर जो मानव है वो इस ब्रह्मांड के इतिहास के केवल एक छोटे से पार्ट पर ही है उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से पर ही है दैट इज बिकॉज द ह्यूमन रेस हैज़ बीन इम्प्रूविंग सो रैपिडली इन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी दैट इफ़ पीपल हैड बीन अराउंड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स द ह्यूमन रेस वुड बी मच फर्दर एलोंग इन इट्स मास्टरी ये ऐसा इसलिए लग रहा है कि ब्रह्मांड पर मनुष्य या तो अभी आया है या फिर एक छोटे से पार्ट में है ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मनुष्य की जो नॉलेज है जो टेक्नोलॉजी है जो ज्ञान है जो तकनीक है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है सो रैपिडली तेज़ी से बढ़ना वो इतनी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट्स बढ़ना वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ऐसा लगता है कि अगर मनुष्य मिलियंस ऑफ इयर्स पहले होते तो उस कंडीशन के अंदर मनुष्य अपनी मास्टरी में और कहीं ज़्यादा आगे होता मींस मनुष्य का ज्ञान उसकी टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि अगर मनुष्य मिलियन ईयर्स पहले होते लाखों सालों पहले होते और इतनी ही तेज़ी से विकास हो रहा होता तो अभी तक मनुष्य का और भी बहुत ज़्यादा विकास हो चुका होता सो दिस इज़ वीडियो वन ऑफ चूजिंग आवर यूनिवर्स वी विल कम्प्लीट द चैप्टर वी विल कम्प्लीट द एसे इन आवर नेक्स्ट वीडियो Video two choosing our universe. Thank you.